डायरेक्शन में बनी कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म द केरला स्टोरी इस साल की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। महज 40 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऑलमोस्ट 242 करोड़ की कमाई करके हर किसी को चौंका दिया। वहीं जो लोग इसे थिएटर में नहीं देख पाए वो इसकी ओटीटी स्ट्रीमिंग का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हालांकि इस फिल्म की ओटीटी स्ट्रीम को लेकर एक सैड न्यूज सामने आई है। अब वो क्या है चलिए बताते हैं आपको इस वीडियो में। हाय, आप देख रहे हैं फिल्म बीट ओटीटी, आराम आंचल सनोरिया। सुदीप्तो सेन की फिल्म द केरला स्टोरी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई थी, लेकिन आदर्श शर्मा स्टारर फिल्म द केरला स्टोरी का ओटीटी पर वेट कर रहे फैंस के लिए एक बुरी खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो द केरला स्टोरी को ओटीटी बायर्स नहीं मिल रहे हैं। हालांकि कुछ टाइम पहले ये खबर आई थी कि द केरला स्टोरी जल्द ही ओटीटी पर दस्तक देने वाली है, लेकिन इसी बीच अब ये बड़ी खबर सामने आई कि फिल्म को ओटीटी बायर्स ही नहीं मिल रहे हैं। इन्हीं सब खबरों के बीच फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन का रिएक्शन भी इस मामले में सामने आया है। एक रिपोर्ट्स की माने तो सुदीप्तो सेन ने कहा है कि हमें अभी भी केरला स्टोरी के लिए किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म से ऑफर नहीं आया है। उसी रिपोर्ट जहां सुदीप्तो सेन ने ये बात कही है, वहीं ये दावा भी किया गया कि सुदीप्तो सेन ने फिल्म की जल्द ओटीटी स्ट्रीमिंग खबरों पर भी रोक लगा दी है। इनफैक्ट उन्होंने इन्हें सिर्फ और सिर्फ र्यूमर्स बताया है। सुदीप्तो सेन ने कहा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक सेक्शन उनकी फिल्म से काफी नाराज है, इसलिए उन्हें इसकी सजा दी जा रही है। हमारी बॉक्स ऑफिस सफलता ने इंडस्ट्री के कई सेक्शंस को परेशान किया है। हमें लग रहा है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक सेक्शन हमें हमारी सक्सेस की सजा देने के लिए एकजुट हो गया है। आपको बता दें, द केरला स्टोरी रिलीज से पहले ही काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में थी। इस फिल्म को लेकर काफी बवाल हुआ था। बंगाल से लेकर तमिलनाडु के कई सारे मल्टीप्लेक्स में तो इसे बैन करने तक की डिमांड की गई थी। द केरला स्टोरी में फातिमा बे यानी कि शालिनी उन्नीकृष्णन से लेकर बाकी तीन और लड़कियों की कहानी को दिखाया गया है कि कैसे उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें टेररिज्म ग्रुप ISIS में झोंक दिया जाता है। बात करें फैंस की तो यूजर्स भी इस बात पर अपने डिफरेंट रिएक्शन दे रहे हैं। एक यूजर का कहना है, फीलिंग सैड फॉर अदा की अदा। वहीं एक यूजर ने ये लिखा कि ये फिल्म प्रोपेगेंडा है, इस वजह से इसे ओटीटी बायर्स नहीं मिल रहे हैं। तो वहीं एक यूजर ने लिखा, सुदर्शन टीवी पर चला दो, फ्री में सब देख लेंगे। वेल दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लोगों का इस पर क्या रिएक्शन है ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन हमें जानना है आपका रिएक्शन, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। ये तो लोगों का कहना था कि उनके क्या राय है, लेकिन हमें जाननी है आपकी राय, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फिल्म बीट ओटीटी को जरूर सब्सक्राइब करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।